नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने पेमेंट बैंक की शुरुआत कर दी है। मैसेज के जरिए यूजर्स को इसकी जानकारी दी जा रही है। पेटीएम वॉलेट को पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक पहले साल में 31 ब्रांच और 3000 कस्टमर पॉइंट्स बनाए जाएंगे। पहले 1 मिलियन पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट कस्टमर्स को 25,000 रुपए जमा करने पर उन्हें 250 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक दिया जाएगा। पेटीएम ने कहा कि पेटीएम अकाउंट जीरो बैलेंस वाला होगा और सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के मुताबिक पेटीएम अब अपने वॉलेट बिजनेस को नए पेटीएम बैंक में ट्रांसफर करेगा। पेटीएम बैंक लाइसेंस के तहत पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का लाइसेंस दिया गया है।